क्या आपने कभी सोचा है कि मार्स और जुपिटर ग्रहों के बीच क्या है? सोचिए, एक विशाल अंतरिक्ष में फैला हुआ रास्ता जहां लाखों चट्टानी चीजें मौजूद हैं। ये है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, हमारे सौर मंडल का एक दिलचस्प हिस्सा। एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच स्थित है। यह अंदरूनी चट्टानी ग्रहों और बाहरी गैस दानवों के बीच एक सीमा का काम करता है। फिल्मों में हम जो तस्वीरें अक्सर देखते हैं, उसके विपरीत एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत भीड़ नहीं होती है। बेल्ट में ऑब्जेक्ट्स असल में एक दूसरे से काफी दूर हैं। आप पूछेंगे कि ये एस्टेरॉयड्स बने किससे होते हैं, तो सोचिए, चट्टान, धातु और यहां तक कि बर्फ का मिश्रण। अंतरिक्ष की ये चट्टाने शुरुआती सौर मंडल के अवशेष हैं, उस समय के बचे हुए टुकड़े जब ग्रह बन रहे थे। ज्यादातर एस्टेरॉयड्स अलग अलग तरह की चट्टानों से बने होते हैं। कुछ में कार्बन होता है जो उन्हें एक गहरा रंग देता है, अन्य धातुओं जैसे लोहा और निकल से भरपूर होते हैं। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में तैरता हुआ धातु का एक विशाल टुकड़ा मिल जाए। कुछ एस्टेरॉयड्स में बर्फ की मौजूदगी विशेष रूप से दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि ये बर्फीले पिंड अरबों साल पहले पृथ्वी पर पानी लाए होंगे। एस्टेरॉयड्स की संरचना का अध्ययन करने से हमें अपने ग्रह के निर्माण खंडों को समझने में मदद मिलती है। एस्टेरॉयड बेल्ट की खोज एक दिलचस्प कहानी है। इसकी शुरुआत मार्स और जुपिटर की कक्षाओं में एक अजीब पैटर्न के साथ हुई। खगोलविदों ने इन दोनों ग्रहों के बीच एक अंतर देखा, जहां एक और ग्रह होने की उम्मीद थी। 1801 में इतालवी खगोल शास्त्री जुसेपे पियात्सी ने इस लापता ग्रह की खोज करते हुए पहले एस्टेरॉयड सेरेस को देखा। पहले तो सेरेस को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसी क्षेत्र में और अधिक चीजें खोजी गईं, यह स्पष्ट हो गया कि कुछ और ही चल रहा है। समय के साथ खगोलविदों ने महसूस किया कि ये ऑब्जेक्ट्स ग्रह नहीं बल्कि बहुत छोटे पिंड थे, जिन्हें उन्होंने एस्टेरॉयड्स नाम दिया। एस्टेरॉयड बेल्ट, जो कभी एक रहस्यमय अंतर था, गहन वैज्ञानिक रुचि का क्षेत्र बन गया। सेक्शन 4, हमारे खगोलीय पट्टे के बारे में रोचक तथ्य। अब आइए इस खगोलीय पट्टे के बारे में कुछ रोचक तथ्यों में उतरें। क्या आप जानते हैं कि बेल्ट में मौजूद सभी एस्टेरॉयड्स का कुल द्रव्यमान हमारे चंद्रमा से भी कम है? यह सही है। यह दिखने में जितना घना लगता है, उतना है नहीं। एस्टेरॉयड बेल्ट लगातार गतिमान है। प्रत्येक एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार पथ में करता है। कभी-कभी ये कक्षाएं रास्ते में एक दूसरे को पार करती हैं, जिससे टकराव होता है और इससे भी छोटे एस्टेरॉयड्स का निर्माण होता है। अपने छोटे आकार के बावजूद एस्टेरॉयड्स वैज्ञानिकों के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं। वे प्रारंभिक सौर मंडल की एक झलक पेश करते हैं, जो ग्रहों के निर्माण और स्वयं जीवन की उत्पत्ति के बारे में सुराग पकड़े हुए हैं। सेक्शन 5, एस्टेरॉयड्स, अतीत और भविष्य की कुंजी। हमें अंतरिक्ष की इन चट्टानों की परवाह क्यों करनी चाहिए? एस्टेरॉयड बेल्ट का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये खगोलीय पिंड प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में रहस्य रखते हैं और भविष्य में मूल्यवान संसाधन प्रदान कर सकते हैं। एस्टेरॉयड्स की संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उन परिस्थितियों और सामग्रियों के बारे में जान सकते हैं जो हमारे सौर मंडल के जन्म के समय मौजूद थी। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह कैसे बने और विकसित हुए। इसके अलावा एस्टेरॉयड्स में पानी, कीमती धातुएं और प्लैटिनम समूह की धातुएं जैसे विशाल संसाधन होते हैं। भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और यहां तक कि पृथ्वी से परे जीवन का समर्थन करने के लिए इन संसाधनों का खनन किया जा सकता है। सेक्शन 6, प्रसिद्ध एस्टेरॉयड्स, वेस्टा, सीरीज और पैलस। आइए मिलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट के कुछ सबसे प्रसिद्ध निवासियों से। सीरीज बेल्ट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, जिसे अब एक बौले ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेस्टा अपनी चमकदार सतह और एक विशाल इंपैक्ट क्रेटर के लिए जाना जाता है।
पैलेस, तीसरा सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जिसकी कक्षा अनोखी झुकी हुई है। एस्टेरॉयड बेल्ट जानकारी का खजाना है जिसका अनावरण किया जाना बाकी है।